गालीबाज कहे या श्रीकांत त्यागी। जी हाँ, चर्चा में आई नोएडा सेक्टर 93 की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार यहाँ श्रीकांत की पत्नी अनु त्यागी ने दबंगाई दिखाते हुए अपने घर के सामने उखाड़े गए पेड़ एक बार फिर से लगाने शुरू कर दिए। इस दौरान जब सोसाइटी के लोगों ने इसका विरोध किया तो उनमें बहस हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऊपर को कर दो इसको, किसी का नहीं उठाना। ठीक है ठीक है। आपको बता दें कि मामले की शिकायत मिलने के बाद नोएडा अथॉरिटी एडिशनल सीओ ने तुरंत ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में पहुंचकर अनु त्यागी समेत सभी सोसाइटी वालों को 48 घंटे के अंदर अपने अपने अवैध अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया और कहा कि यदि ऐसा नहीं होता है तो पुलिस बल के माध्यम से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। आज की घटना के क्रम में मैं एडिशनल सीओ नोएडा अथॉरिटी आप सबको अवगत कराना चाहता हूं कि आज शिकायत प्राप्त हुई थी कि निखिल त्यागी जी के यहाँ से जो पौधे अतिक्रमण के रूप में यहाँ हटाए गए थे पहले, उसको दोबारा लगा दिया गया और उसी शिकायत के क्रम में हम और हमारी टीम यहाँ आई थी। यहाँ एक पौधा भी गिरा है और परिवार का विरोध शुरू हुआ। विरोध के ग्राउंड में एक ग्राउंड ये भी था कि अन्य और भी अतिक्रमण करता है जहाँ पर है, जिनके द्वारा अभी अतिक्रमण नहीं हटाया गया है और उनका भी अतिक्रमण हटना चाहिए। संपूर्ण चीजों पर हम लोगों ने विचार विमर्श किया और कुल 48 घंटे का समय यहाँ उपस्थित अन्य लोगों को भी दिया जाता है, क्योंकि उनको भी पहले पूर्व में नोटिस दी गई थी कि वो स्वयं अपना अतिक्रमण हटा लें, और इस परिवार को भी अवगत कराया जाता है कि 48 तक निर्देशित किया जाता है कि 48 घंटे के अंदर अपना अतिक्रमण हटा दें, वरना प्राधिकरण को पुलिस बल के साथ जबरन अतिक्रमण हटाना पड़ेगा। जानकारी के अनुसार श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी के समर्थन में सोमवार को त्यागी समाज के लोगों ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के बाहर धरना प्रदर्शन किया था। इस दौरान प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे मांगे राम त्यागी ने नोएडा पुलिस और प्राधिकरण से सोसाइटी में हुए सभी अवैध निर्माणों को ढहाने और पेड़ पौधों को हटाने की मांग की थी। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाकर शांत किया और उनका धरना खत्म करा दिया था। पंजाब की सीटीवी के लिए नोएडा से गौरव गौड़ की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।